वेलकम टू फनेलन स्कूल। बच्चों आज हम पढ़ेंगे की क्लास में हिंदी सब्जेक्ट। बच्चों हम ये वाली किताब पढ़ने वाले हैं, हिंदी वर्ण परिचय। ओके तो चलो पेज नंबर 59 ओपन करो। ओपन किया बच्चों पेज नंबर 59। कौन सा व्यंजन है आज का? ल। तो ल से क्या होता है? ल से लड़की, ल से लट्टू और ल से लड्डू। ल से क्या होता है बच्चों? ल से लड़की भी होता है, ल से लट्टू होता है और ल से लड्डू भी होता है। अब ल कैसे लिखेंगे हम? तो देखो बच्चों, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्या बन गया? ल। ल से लड्डू, ल से लड़की। ओके तो बच्चों इसको बोल बोल के लिखेंगे हम। ल, ल से लड्डू, ल, ल से लड़की, ल, ल से लड्डू, ल, ल से लड़की, ल, ल से लड्डू, ल, ल से लड़की, ल से लड्डू। ओके बच्चों इस तरीके से आपको भी बोल बोल के लिखना है। क्या होता है? ल से लड़की भी होता है, ल से लट्टू भी होता है और ल से लड्डू भी होता है। ओके चलो पेज नंबर 60 ओपन करो। ल के बाद में कौन सा व्यंजन आता है? ल के बाद में व आता है। व से क्या होता है? व से वन, व से वर्षा, व से वंदन। मतलब प्रार्थना करते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं? वंदन बोलते हैं। अब वह कैसे लिखेंगे? तो देखो बच्चों, ये क्या, ये स्टैंडिंग लाइन करेंगे, ये स्लीपिंग लाइन बना देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? व। व से वन, व, व से वन। ये क्या लिखा हमने? व, व, व से वन, व, व से वन, व, व से वन, व, व से वन। तो बच्चों इस तरीके से आप भी बोल बोल के लिखने का है। व, व से वन। क्या लिखा हमने? व। कितने व्यंजन पढ़े? दो पढ़े। पहले हमने पढ़ा ल, ल से लड्डू और फिर पढ़ा हमने व, व से वन। व के बाद में कौन सा व्यंजन आता है? श्य। तो चलो हम श्य पढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों क्या होता है? श्य से सलगम, शरबत और शहनाई। अब श्य कैसे लिखेंगे? तो हम इसे, ये क्या लिखा हमने? श्य, सलगम का श्य। तो इस तरीके से बच्चों आपको भी यहाँ पर बोल बोल के लिखना है। सलगम का स और क्या, शरबत का भी स होता है और शहनाई का भी स होता है। श, इस तरीके से बच्चों अच्छे से राइटिंग में बोल बोल के लिखना है। सलगम, सलगम का स, शरबत का स और क्या होता है? स से शहनाई, है ना बच्चों? तो बच्चों इस तरीके से आप भी बोल बोल के लिखने का। स से सलगम, स से शरबत, स से शहनाई। और स के बाद में कौन सा व्यंजन आता है बच्चों? षटकोण का स। चलो तो पेज नंबर 62 ओपन करो। क्या है? षटकोण का स। तो बच्चे इसमें क्या होता है? देखो स से षटपट, स से षटकोण, स से षट। षट कैसे लिखेंगे हम? तो षट, षटकोण का स, षटपद का स और षट का षट। अब कैसे लिखना है? तो देखो बच्चों यहाँ पर डॉट दिया गया है, डॉट के ऊपर हमको लिखना है स, षटकोण का स, षटपद का भी स, षटकोण का स, षटपद का स, है ना बच्चों?
इस तरीके से आपको बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग में बोल बोल के लिखना है। षटकोण का सर। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों इस तरीके से अच्छी अच्छी राइटिंग में बोल बोल के आपको अपनी किताब में अच्छी अच्छी राइटिंग से लिखना है। ओके, आगे के व्यंजन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।